राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरे देश में मुखर नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस लगातार इसको लेकर आक्रोश जता रही है। आज देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी पार्क में संकल्प सत्याग्रह किया और धरना देकर केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप है कि केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र को और विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं, तभी इस तरह की कृत्य किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है और इस संकल्प सत्याग्रह से भी केंद्र के लोगों को जगाने का काम कांग्रेस कर रही है। इस अवसर पर कांग्रेस के कई बड़े नेता धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। सत्ता के दुराग्रहों के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ, सत्ता के जिस तरीके से संविधान की और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है, एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है, ये सत्याग्रह गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया और इसी सत्याग्रह के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़ा दुराग्रही अंग्रेज को जो है उन्होंने नीचा देखने के लिए मजबूर किया। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से जो आज की सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए दुराग्रही लोग हैं, उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते गांधी, गांधी जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद कहते हैं।